व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली आज एक नए ब्लॉग के साथ इतने दिनों के बाद हम लोग आ चुके हैं वापस। और आज के ब्लॉग में हम लोग बात करने वाले हैं अपने फेस के उगते हुए पिंपल्स के बारे में, पिंपल्स को आप कैसे रिमूव कर सकते हो और घरेलू तरीके से। तो इसका आज हम लोग 1 वीक लाइव टेस्ट करने वाले हैं। लाइव टेस्ट में क्या होने वाला है, जैसे कि मैं पहला दिन से एक हफ्ते तक मैं उसको जो मैं पेस्ट बनाऊंगा उसको मैं पहला दिन से एक हफ्ते तक पूरा लगाऊंगा और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा क्या क्या चेंजेस आए मेरे फेस में और आप उसे बाद में भी यूज कर सकते हो। एक हफ्ते तक, एक वीक तक आप यूज उसे कर सकते हो। तो उसमें करना क्या है, आप लोग हमारे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा कि आप लोग को मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा पर डे वाला और 1 वीक वाला, तो आप लोग को हर एक वीडियो पर डे देखने को मिलेगा और हमारे फेस के जो चेंजेस हैं वो भी देखने को मिलेंगे और मेरे ब्लॉग भी आप लोग देख लिया करोगे। तो थोड़े मुझे सपोर्ट करो यार, मैं आप लोग के लिए नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ जो जिसमें आप लोग को बहुत सारे ऐसे चीज़ें बताऊँगा जो ओ भाई ये क्या, चलिए दिखाते हैं। मुझे लगा वहाँ पर कुछ है पर वहाँ पर कुछ नहीं था गाइस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोग को अब मेरा अगला नेक्स्ट डे का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और फेस का जो भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना ज़्यादा पिंपल्स है तो उस पिंपल्स का रिमूव कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं उस पेस्ट को, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, चलिए आप लोग को सारा चीज़ दिखाते हैं गाइस। तो हो चुकी है रात और हम लोग रात में वीडियो शूट कर रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर क्वालिटी थोड़ा कम मिलेगा। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये पौधा है जो मैं थंबनेल में डाला हूँ, ये पौधा, ये जो फूल देख रहे हो, देख सकते हो आप फूल के चारों तरफ से आप देख सकते हो इसके पत्ते और कुछ फूल आप लोग को तोड़ के इकट्ठा करना। चलिए तो इकट्ठा करने के बाद मिलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर चुके हैं ये पत्ते और फूल के पत्ते और थोड़े कुछ एक दो फूल ले लेना है। उसके बाद आप लोग को लेना है ये ताज़ा एलोवेरा। मैं अभी एलोवेरा तोड़ के लाया हूँ, देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं फोकस करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ताज़ा एलोवेरा लेकर आया हूँ। आप लोगों को वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम मिलेगा क्योंकि यहाँ पे बिजली चली गई है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं ताज़ा एलोवेरा लेकर आया हूँ। उसके बाद आप लोग को ये करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे एलोवेरा के बीच से सारा ये जो दिख रहा है ये इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको आप लोग को ये मिक्सर या फिर कुछ भी से आपको इसको पीस लेना है, उसका पूरा पतला करके इसको पीस लेना है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे ये है एलोवेरा और ये है वो पत्ती जो हम लोग पीस के हम इन लोग को दोनों को मिलाने जा रहे हैं। और आप चाहे तो आपके घर में नींबू हो तो नींबू भी मिला सकते हो आप इसमें, और अपने फेस में क्लैरिटी चाहते हो तो हल्दी भी मिला सकते हो। तो चलिए इन लोग को मिलाते हैं और उसके बाद आप लोग को इसको यूज करना है सोते समय रुई से। तो चलिए इसको हाथ से मिला देते हैं। कहते से तो ये ठीक अच्छी तरह से मिल चुकी है और उसके बाद आप लोग को इसको फेस में धीरे धीरे लगा लेना है सोते समय। तो अभी मैं सो नहीं रहा हूँ इसीलिए इसको कुछ देर के लिए छोड़ दे रहा हूँ। इसे ज़्यादा देर तक इसको ऐसे ना छोड़िएगा और आप कम ही बनाएगा ताकि आप लोग को बर्बाद ना हो, पर डे इसको ताज़ा लगाना है। तो मिलते हैं सुबह, कैसा रहता है मेरा फेस देखते हैं। ये वीडियो मैं कल शाम को अपलोड करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि मैं ब्लॉग और आप लोग के लिए ये हेल्पफुल वीडियोज लाते रहता हूँ।